आजकल रेमेडी यूज करने के बाद भी आपका हेयर फॉल नहीं रुकता, आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती, आपके बाल रीग्रोथ नहीं कर रहे, आपके बाल घने नहीं हो रहे, तो ये टाइम है आपका डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आने का। क्योंकि इस रेमेडी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रेमेडी आप अपने बालों की ग्रोथ के लिए कर ही नहीं सकते। जिस स्पीड से आपके बालों की ग्रोथ हो रही है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इससे कई गुना ज्यादा स्पीड से आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा होगा। आपके बालों का गिरना बंद हो जाएगा और बेहतरीन वॉल्यूम आपके बालों का हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि क्या करना है, कैसे करना है और कितनी मिकदार में करना है। अदरवाइज इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएंगे, तो चलिए बात करते हैं। याद करवाती चलूं कि मेरे इस न्यू चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। आपको मालूम होगा मेरा 1 लाख फैमिली का यूट्यूब चैनल था जो कि हैक कर लिया गया है, बहुत कोशिश की रिकवर नहीं हो सका। तो मैं एक न्यू उमंग के साथ, न्यू होप के साथ अपनी फैमिली बनाने के लिए आई हूं। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बन जाएं। आज आपकी शुमाइला आपके लिए लेकर आई है बहुत ही खूबसूरत सा सीरम, जिसको आपने रात भर के लिए अपने बालों में लगाना है। कोई बैड स्मेल नहीं है, जरा चिपचिपा नहीं है, किसी भी किस्म की कोई परेशानी आपको नहीं होगी, तो आपने ये सीरम जरूर बनाना है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपके बालों को लॉन्गर, थिकर और स्ट्रॉन्गर करने वाला है, वो है चावल। जी हाँ, वही चावल जो आप अपने घर पर बनाते हैं, टोटा हो या बासमती, कोई भी चावल हो ले सकते हैं। चावलों को लेकर आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। इन चावलों को अच्छे से पानी से धो लीजिए। ये चावल पैन में डाल लीजिए, देन आप इसमें ऐड कर दीजिए 1 ग्लास पानी। सेकंड बड़ा ही खूबसूरत सा इंग्रेडिएंट है जो आपके बालों में शाइन लेकर आएगा, सिल्की सॉफ्ट और आपके बालों में नई जान डाल देगा, फ्रेश एलोवेरा जेल। जी हाँ, वही एलोवेरा जो आपके घर में लगा हुआ है। 2 चम्मच यहाँ ले लीजिए एलोवेरा जेल और चावलों के साथ ऐड कर दीजिए। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट को पानी में अच्छे से और हल्की आंच पर पकने दें। मैक्सिमम आपके 10 से 15 मिनट लग जाएंगे चावलों को पकते हुए और एलोवेरा को इसके अंदर मैश होते हुए। हमें सिर्फ चावलों का और एलोवेरा का स्टार्च चाहिए, तो इसीलिए इतना टाइम लग जाएगा। आपने ज्यादा आंच पे नहीं पकाना, वरना जो है चावल कच्चे रह जाएंगे और अच्छी तरह इसका स्टार्च हमें नहीं मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे चावल जो है वो अच्छे से नरम हो गए हैं और पानी हमारा ड्राई हो चुका है। तकरीबन ये हमारा इतना थिक पानी होना चाहिए। तो यहाँ हम अपना जो है फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ जो है आप देख सकते हैं चावलों का पानी जो है वो बिल्कुल इस तरह से थिक हो गया है और चावल हमारे अच्छे से गल गए हैं। तो इन चावलों को पानी से अलग कर लीजिए और स्ट्रेनर से छान लीजिए। अब इस चावलों और एलोवेरा के जेल को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। क्या आपको मालूम है क्यों कहते हैं चावल खाने पर जिस्म पर मोटापा आ जाता है? क्योंकि इसके हर एक दाने में मिनरल्स, विटामिंस और स्टार्च का जखीरा होता है। खाने पर जिस्म को मजबूत बनाता है और एक्सटर्नल एप्लीकेशन पर आपके बालों को मैनेजेबल, सॉफ्टन और इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि आपके बाल इतने घने और मजबूत हो रहे हैं। अब जो बारी आती है वो हमारे मेजर इंग्रेडिएंट की है, जो कि है एसेंशियल ऑयल। जी हाँ, लिवेंडर एसेंशियल ऑयल बहुत ही सस्ता है, आपको आसानी से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। एलोपीशिया बाल्डनेस एंड एंड्रोजेनेटिक एलोपीशिया बहुत बड़ी बीमारी होते हैं, सारे बाल झड़ जाते हैं। इन बीमारियों के इलाज में भी इस एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि बालों को दोबारा उगाया जा सके। बहुत ही फ्रेश कर देने वाली इसकी स्मेल होती है, चंद कतरे ही काफी होंगे क्योंकि इसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप इसमें 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं, जितना आप चाहें ऐड कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। अच्छा, तो इस एसेंशियल ऑयल जो हमने ऐड किया है ना लिवेंडर, इसमें प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसके इस्तेमाल से आसानी से आप इस सीरम को देर पा महफूज भी कर सकते हैं। इस तरह के ड्रॉपर में डालकर महफूज कर लीजिए, लगाना भी आसान होता है और जाया होने से भी बच जाएगा। लगाने से पहले बालों को अच्छे से बांध लीजिए, ख्याल रहे आपके बाल साफ, धुले हुए और खुश्क हों। ड्रॉपर की मदद से अपने बालों के हेयर लाइन पे, यानी कि फ्रंट जो हेयर लाइन है उस पे लगाएं और कहीं कहीं इस तरह रैंडमली लगा लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर बार के रूट्स में आप अप्लाई करें, ये खुद ही फैल जाएगा। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी ही होती है कि ये खुद ही पूरे बालों में फैल जाएगा। लगाएं और सो जाएं। बहुत ही अच्छी सी स्मेल है, नींद भी बहुत अच्छी आएगी। कोई लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, आराम से सुबह उठें, जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं वो कीजिए, शैम्पू नहीं भी करना तो रहने दीजिए। 2 से 3 दिन के बाद भी आप वॉश करना चाहें
चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सीरम को लगा रहने दें। बस एक और बात, लगाना आपने हफ्ते में 3 बार है बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। बालों की ग्रोथ में चेंज आएगा, बाल गिरना बंद होंगे, सब्र और यकीन रखें रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। ये सीरम आप बाहर स्टोर नहीं कर सकते, फ्रिज में रखेंगे। एक हफ्ते तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज नहीं है तो आप इसे पानी में भी डिप करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी YouTube फैमिली को ये रेमेडी भी पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, चैनल को लाल बटन दबाए बिना भी मत जाइएगा। अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली जोन में किसी को इस रेमेडी की जरूरत है तो शेयर भी कर दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट मैजिकल वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, ख्याल रखिए अपना और इस चैनल का भी।